नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पप्पू स्पोर्ट्स क्लब में स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, इस वीडियो में विदेशी एनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, फाइनल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को है। सभी स्टूडेंट को निगाह सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई है, जो 22 जुलाई को क्या होगा, किसकी जीत होगी, क्या 22 जुलाई को केस खारिज हो जाएगी। दोस्तों, जिस चीफ जस्टिस के बेंच में सुनवाई होगी, पंकज मित्तल सर के बेंच में, तो पंकज मित्तल सर का पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। विदेशी एन एम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरें और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, वीडियो बने रहिए। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। सबसे पहले पंकज मित्तल सर के इस वीडियो क्लिप को ध्यान से आप देखिए। जो पंकज मित्तल सर जो चीफ जस्टिस है, जिनके बेंच में 22 जुलाई के हम लोग को केस की सुनवाई होगी, इनका पिछला रिकॉर्ड क्या है, सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए। उसके बाद फिर हम आपसे बातचीत करने वाले हैं और सभी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। आप लोग सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए। मैं पंकज मित्तल, जो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा मैं संयमित प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। ये लाइव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजभवन से सीधी तस्वीरें, राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने शपथ ग्रहण कर ली है पद एवं गोपनीयता की। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलवाई, जस्टिस पंकज मित्तल ने शपथ ले ली है। लाइव तस्वीरें राजभवन से। न्याय जगत का जाना माना नाम पंकज मित्तल अब राजस्थान में चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी संभाले। शपथ ग्रहण से संबंधित कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह करती हूं। आप सभी से आग्रह है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान। देखिए, कई राजनीतिक जगत की जानी मानी हस्तियां इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद हैं, कई मंत्री हैं जो मौजूद हैं, और शपथ ग्रहण समारोह में विधिवत तरीके से पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। अब सीजेआर पंकज मित्तल, राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलवाई। लाइव तस्वीरें राजभवन से आपके टीवी स्क्रीन पर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में
जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान सरकार के कई मंत्री बीडी कल्ला, महेश जोशी, शकुंतला रावत इस समारोह में शामिल हुए। माननीय शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो चुका। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और मंत्रीगण तथा न्यायाधीश जितने भी, उन सबसे आग्रह कि बैंकेट हॉल जो पास में है उसमें मैं स्थान ग्रहण करूं। नेता प्रतिपक्ष मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री और सभी से आग्रह कि बैंकेट हॉल में व्यवस्था कीजिए उनके लिए। बाकी सभी आप यहीं पर विराजते हैं, अल्पाहार की व्यवस्था यहीं पर की गई है। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय और उनके जो उनके साथ जो परिजन आए हैं। दोस्तों, चीफ जस्टिस पंकज मित्तल सर का वीडियो क्लिप आप ध्यान से देख लिए, आपको समझ आ गया होगा। आपके मन में जो डाउट चल रहा था वो डाउट क्लियर हो गया है। जो चीफ जस्टिस सर का पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, किस किस हाई कोर्ट के जज बने हैं, हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दे दिए। आपके मन में जो डाउट चल रहा था वो डाउट क्लियर हो गया है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए 22 जुलाई को पंकज मित्तल जो चीफ जस्टिस है, इन्हीं के बेंच में हम लोग के केस की सुनवाई होने जा रही है, जो कि हम लोग के केस का सीरियल नंबर 10 है, जो कि हम आपको बता दिए। हम ये अभी आपको नहीं बताएंगे जो कोर्ट नंबर कितना में सुनवाई होगी, टेबल नंबर कितना में सुनवाई होगी, ये हम आपको नहीं बताएंगे। ये नाइट में लाइव आएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे, क्योंकि आज संडे है, आपको भी पता होना चाहिए। और नाइट में ही हम आपको लाइव ही बता दिए थे। जो आज जो भी मेरा वीडियो आएगा, सभी वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि चीफ जस्टिस सर के बारे में बताने वाले हैं, अपना वकील साहब के बारे में बताने वाले हैं, इन लोगों का पिछला रिकॉर्ड क्या रहा, और पंकज मित्तल सर के बारे में हम आपको बता चुके हैं जिनका पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, किस किस हाईकोर्ट के ये जज बने हैं, एक एक चीज़ हम आपको इस वीडियो क्लिप के माध्यम से समझाने का प्रयास किए। अब 32,127 एनएम बहनों को निगाह सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई है, जो 22 जुलाई को क्या होगा, किसकी जीत होगी, क्या 22 जुलाई की ये केस खारिज हो जाएगी या ये केस चढ़ेगा, एक दो हेयरिंग होगी। तो दोस्तों, आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं आपको परेशान होना, ठीक है। 100% हम लोग को जीत होगी, क्योंकि यहाँ नियमावली की लड़ाई है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग ही पटना हाईकोर्ट में 2 बार हम लोग को जजमेंट मिल चुकी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के विरोध नहीं जाएगा, समझे। इसीलिए हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में भी जीत मिलेगी। अब बात करते हैं, जो सुरजीत सर को दिल खोल के आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आज भर हम लोग के पास समय है। सर का स्कैनर लगा दिए हैं, सर का नंबर लगा दिए हैं, आप लोग दिल खोल के सुरजीत सर को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और एक एक मेरा आज जो वीडियो आएगा, सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्यों, क्योंकि एक एक चीज आज हम आपको सारे के सारे कट्टा चिच्छा हम खोलने वाले हैं, एक एक चीज हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा भी आपको हाइपर नहीं होना है, ठीक है। जो चीफ जस्टिस सर के बेंच में सुनवाई होगी तो चीफ जस्टिस सर का पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, जो हमारे वकील साहब केस लड़ रहे हैं इनका पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, हर एक चीज अभी से लेके शाम तक हम आपको सभी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आपको परेशान होना। बस आप लोग एक काम कीजिए, जो सुरजीत सर को दिल खोल के सपोर्ट कीजिए, समझे, क्योंकि हम लोग के पास समय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 डे, आज ही हम लोग के पास समय है, ठीक है। इसीलिए सभी लोग दिल खोल के सुरजीत सर को सपोर्ट कीजिए। और अभी 12 बजे लाइव आते हैं तो और भी हम आपको जानकारी डिटेल्स में बताने वाले हैं नरसिम्हा सर के बारे में, ठीक है। जो चीफ जस्टिस सर के बेंच में सुनवाई होगी तो पंकज मित्तल सर के बारे में हम आपको बता दिए, और 12 बजे लाइव आते हैं तो नरसिम्हा पीएस नरसिम्हा सर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही 12 बजे लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और 100% हम लोग की जीत होगी, क्योंकि कल से सावन भी स्टार्ट हो रही है। सावन पहला सोमवारी है, सावन का पहला सोमवारी, कल महादेव का भी आगमन हो रही है और हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में कल जीत भी हो रही है। इसीलिए सभी स्टूडेंट दिल खोल के सुरजीत सर को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं 12 बजे, सभी स्टूडेंट 12 बजे लाइव आना नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ हम आपको बताने वाले हैं 12 बजे लाइव, ठीक है। इसलिए सभी स्टूडेंट 12 बजे लाइव आना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।